कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो का दूसरा सीजन भी काफी धमाकेदार रहा और लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। लेकिन शो के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, कपिल के शो को लेकर ऐसी खबर है कि ये शो अब जल्द ही बंद होने वाला है। मीडिया गलियारे में कपिल के शो के बंद होने के काफी चर्चे हैं। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल इटी टाइम्स की खबर के भी माने तो ये शो फरवरी के दूसरे सप्ताह में बंद हो सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वेबसाइट से बातचीत के दौरान एक सोर्स ने कहा कि शो के स्टूडियो में लाइव ऑडियंस का होना इसका एक कारण है। कोरोना महामारी के कारण ऑडियंस को नहीं बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही महामारी के कारण अभी थिएटर में फिल्में भी रिलीज नहीं हो पा रही हैं और इस कारण से सेलेब्स भी फिल्म का प्रमोशन करने नहीं आ रहे। ऐसे में शो को कुछ समय के लिए बंद करने पर विचार किया जा रहा है। हालात नॉर्मल होने पर इसे दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि शो को कुछ समय के लिए ही सही वाकई में बंद किया जाएगा और कब से ये फैसला लिया जाएगा इस बारे में अभी कपिल शर्मा और शो के मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी चर्चे हैं कि कपिल की पत्नी गिन्नी भी दूसरी बार प्रेग्नेंट है। ऐसे में कपिल का शो से ब्रेक लेना भी जायज है जिसे अपनी पत्नी को समय दे सके। इस कारण से भी शो को कुछ महीने बाद दोबारा शुरू किया जाए। वहीं रिसेंटली शो को लेकर सुनील ग्रोवर भी काफी चर्चा में थी। एक इंटरव्यू के दौरान जब सुनील से कपिल के बारे में पूछा गया था कि क्या वो उनसे नाराज है, ऐसे में सुनील ने कहा कि वो कपिल से नाराज नहीं है और वो इतना फनी है कि उनसे नाराज भी नहीं हुआ जा सकता। ऐसे में एक कयास लगाए गए कि शायद सुनील फिर से कपिल के शो में वापसी करे या अगर कपिल के शो को कुछ समय के लिए बंद किया जाता है और जब शो को एक ब्रेक के बाद दोबारा से शुरू किया जाए तो सुनील ग्रोवर की वापसी हो। For latest Bollywood news and gossips, subscribe to our channel Bollywood Lifetimes.